आज देश के लोगों की आंखें फिर नम हो गई। 15 जून को भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। इस शहादत का बदला भारत अवश्य लेगा और चीन के इरादे भारत नस्ते नाबूद कर देगा। तो आइए पूरी रिपोर्ट जानेंगे, लेकिन उससे पहले एजुकेशन इंडिया की तरफ से शहीदों की शहादत को सलाम और शहीद हुए वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो रिपोर्ट्स की माने तो चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया है, और यह हमला तब हुआ है जब हमारे सैनिक पूरी तरीके से सतर्क नहीं थे, यानी कि हमले के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, और ऐसे कह सकते हैं कि चीन ने धोखे से हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया था। और इस झड़प में हमारे भारत के वीर सैनिक दुश्मन देश के सैनिकों को मारते मारते शहीद हुए। आपको बता दें, चीन ने अभी तक मौतों का आंकड़ा हमारे सामने उजागर नहीं किया, यानी कि वहां के कितने सैनिक मारे गए हैं यह अभी तक चीन ने नहीं बताया है। और अब इस धोखेबाजी वादे हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, और उन्होंने एक बार फिर देश की जनता को आश्वस्त किया है और कहा है कि देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आज ही नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर अपने बयान में कहा है कि अब देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तो इस बयान के बाद ये पक्का हो गया है कि भारत चीन को अब मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। आपको बता दें, पुलवामा हमले के बाद भी मोदी जी लाइव आए थे और उन्होंने कहा था कि भारत इस हमले को नहीं भूलेंगे और बदला जरूर लेंगे। और ठीक उसके 13 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और अब भी मोदी जी लाइव आए हैं और देश का फिर हौसला बढ़ाए और कहा है कि देश के सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब हमें इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का, जब एक बार फिर हमें खुशखबरी मिलेगी। ये खुशखबरी होगी चीन के सैनिकों के साथ, और चीन को ऐसा सबक सिखाएगी भारत के सैनिक और भारत की वीर आर्मी, और उसके बाद ही चीन को पता लगेगा कि भारत में कितना दम है। आइए तो और कुछ बड़ी खबरों की बात कर ले। तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की, और फोन पर बात करते हुए जब एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को कुछ बातें बताई तो चीन के विदेश मंत्री यह कहते हैं कि ये जो हमला हुआ है वो आपकी तरफ से हुआ है और आपने धोखे से हमारे ऊपर हमला किया है। तो ये सारी बातें तो ठीक उसी तरह है जिस प्रकार से, वैसे ही ये कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि खुद ही धोखा देते हैं और खुद ही फिर कहते हैं कि धोखा तो आपने दिया है, यानी कि चोरी खुद करते हैं और चोरी का जो इंजाम है वो दूसरे पर डालते हैं। ठीक उसी तरह अब चीन कर दी, और चीन के विदेश मंत्री ने जब आज एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की तो उन्होंने यह कहा कि आपकी तरफ से हमें धोखा दिया गया और हमें हानि पहुंचाई गई। और आपको बता दें, चीन के एक अखबार में दावा किया गया है कि चीन को भी हानि हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो उजागर नहीं किए गए। इस प्रकार से कुछ बड़ी खबरें थी जो चीन और भारत की सीमा से जुड़ी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मैं नहीं कहूंगा इस बार के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप कर ही देंगे। अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन को भी। फिर मिलते हैं नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, और इस बार मौका मिला तो खुशखबरी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।